हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अंकुश शर्मा में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नए इवेंट के बारे में जिसका नाम है इनवाइट टू ऑल हैकर। और ये न्यूज सेक्शन में गाइस आपको देखने को मिलेगा और हैकर शोर इस इवेंट का नाम है, तो इनवाइट टू ऑल हैकर्स। और ये सारी इसकी डिटेल्स है, आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस पर चलते हैं। तो गाइस, ये इवेंट खुल चुका है और यहाँ पर आपको इवेंट खुलते ही दो प्राइजेस देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा ग्रैंड प्राइज, दूसरा मिलेगा बोनस प्राइज। तो सबसे पहले गाइस इस इवेंट की इन्फो देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इवेंट पीरियड के बारे में बात करते हैं। जुलाई 5 से लेकर 11 तक इवेंट रहेगा, तो 11 जुलाई तक आप इस इवेंट को यूज कर सकते हैं। आप गाइस, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो पहले पॉइंट में लिखा है आप एक ग्रैंड प्राइज ले लीजिए और एक बोनस प्राइज ले लीजिए और वो आपके प्राइज पूल में ऐड हो जाएगी। और सेकंड पॉइंट में गाइस ये लिखा है उन दोनों प्राइजेस के अलावा, ग्रैंड प्राइज और बोनस प्राइज के अलावा, चार और प्राइजेस आपको प्राइज पूल में देखने को मिलेंगे। तो टोटल 6 प्राइजेस आपको प्राइज पूल में देखने को मिलेंगे। तीसरे पॉइंट में गाइस ये लिखा है शायद आपको पहले स्पिन में ही ग्रैंड प्राइज मिल जाए। नहीं मिलेगा तो गाइस गारंटीड 6 स्पिन के अंदर आपको ग्रैंड प्राइज मिल ही जाएगा। चौथे पॉइंट में गाइस ये लिखा है हर स्पिन के बाद आपके ग्रैंड प्राइज निकलने का चांसेस बढ़ जाएंगे। और पांचवें पॉइंट में गाइस इन्होंने ये बताया है ईच प्राइजेस कैन बी ऑब्टेन्ड वंस, तो एक प्राइज को एक ही बार आप ले सकते हैं। तो 6 प्राइज को आप 6 स्पिन में 6 बार ले सकते हैं और आपका वो खत्म हो जाएगा। छठे पॉइंट में ये लिखा है गाइस आपका जो प्राइस निकलेगा आपकी वॉल्ट में डायरेक्टली पहुंच जाएगा, वॉल्ट में कलेक्शन में या लोड आउट में। और सातवें पॉइंट में ये लिखा है इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो हमको कस्टमर केयर पे बात कर लीजिए। तो चलिए गाइस बाकी प्राइसेस में आपको बता देता हूँ। तो बाकी चारों प्राइस होंगे मोको होगा, मोको के फ्रेगमेंट के बॉक्स होंगे 5, पैट फूड होंगे 10 और बाउंटी टोकन का प्ले कार्ड होगा गाइस 3 दिन के लिए। सर मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, आप अपना ग्रैंड प्राइज और बोनस प्राइज क्या सिलेक्ट करेंगे और ये काफी सोच समझ के सिलेक्ट करना है। तो मैं सबको आपको डिटेल्स बता देता हूँ इन प्राइजेस की। तो सबसे पहले ग्रैंड प्राइज के बारे में बात करते हैं। तो गाइस आपको इसके अंदर 4 बंडल देखने को मिलेंगे, ग्रेसफुल बीच बंडल, फेरी प्रिंसेस बंडल, टॉप सैप बंडल और टॉप पेस्ट्री सैप बंडल। तो ये चारों बंडल गाइस काफी क्लासिक बंडल है, पुराने बंडल है जो पहले इवेंट में आया करते थे और अब नहीं मिलते हैं गाइस, कहीं पे भी स्टोर में भी नहीं मिलते हैं। तो काफी रेयर बंडल है और काफी पुराने और क्लासिक बंडल है। लेकिन गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई गन स्किन लो। तो गाइस ये 2 गन स्किन मिली हमको टॉप गेमर्स कार और स्टार जनरल M4A1। तो गाइस ये पहली गन स्किन है टॉप गेमर्स कार और ये लेजेंडरी गन है जिसका डैमेज 10% ज्यादा है, एक्यूरेसी 20% ज्यादा है, रेंज 10% कम है। दूसरी गन स्किन है गाइस स्टार जनरल M4 जिसका डैमेज 20% ज्यादा है, रेंज 10% ज्यादा और मैगजीन 10% कम है। ये भी लेजेंडरी गन है और गाइस और मेरे को ज्यादा अच्छी स्टार जनरल M4A1 लगी है और गाइस मैं यही सिलेक्ट करने वाला हूँ अपने ग्रैंड प्राइस के अंदर। अब बात कर लेते हैं गाइस बोनस प्राइस के बारे में, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ गाइस। तो गाइस बोनस प्राइस में सबसे पहला बंडल ये है स्केलेटन मैजिशियन बंडल जिसकी कीमत 699 डायमंड है। उसके अलावा एक बंडल ये है ब्लडी वेस्ट बंडल जिसकी कीमत 499 डायमंड है। उसके अलावा एक बंडल ये है बैड डॉग वार्निंग बंडल जिसकी कीमत भी 499 डायमंड है। और लास्ट बंडल गाइस ये वाला है स्केलेटन मिस्टीरियस बंडल जिसकी कीमत है 699 डायमंड। उसके अलावा गाइस आपको 299 डायमंड की एक किटी भी मिल सकती है और आपको एक डॉग की स्किन भी मिल सकती है जिसकी कीमत आप 500 के डायमंड के आसपास लगा सकते हो, क्योंकि अभी स्टोर के अंदर नहीं है तो उसकी कीमत आप एक्सपेक्ट ही कर सकते हो। तो मैं तो गाइस यही सजेस्ट करूंगा आप गन के लिए जाइए। और बोनस प्राइस में गाइस आप स्केलेटन मैजिशियन बंडल के लिए जा सकते हैं, सबसे महंगा बंडल वही है। स्केलेटन मिस्टीरियस बंडल भी की भी सेम कीमत है, लेकिन मेरे पास स्केलेटन मैजिशियन बंडल ऑलरेडी है तो मैं बैड डॉग वार्निंग बंडल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस एक बार आप सिलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पर सिलेक्शन फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा और एक बार आप लॉबी में एंटर कर गए तो आप इस सिलेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमको चेंज नहीं करनी है, कंफर्म हमको स्टार जनरल M4A1 चाहिए और बैड डॉग वार्निंग बंडल चाहिए। तो चलिए कंफर्म करते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा हैकर स्टोर खुल चुका है और अगर आपके पास मोको करेक्टर ऑलरेडी है तो आपको मोको करेक्टर की जगह करेक्टर लेवल 4 कार्ड मिल जाएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपके पास मोको करेक्टर ऑलरेडी है तो आपका एक स्पिन वेस्ट हो जाएगा, स्पिन वेस्ट नहीं होगा, आपको उसकी जगह करेक्टर लेवल 4 कार्ड मिल जाएगा। तो चलिए गाइस पहला स्पिन करते हैं, पड़ेगा तो क्लिक टू ड्रॉ करते हैं, देखते हैं पहले स्पिन में क्या मिलेगा हमको, कंफर्म करते हैं। और ऐसे गाइस घूमेगा आपको 6 स्पिन में से एक स्पिन मिलेगा और देखते हैं हमको क्या मिलता है। और ये लास्ट में ऐसे स्लो स्लो घूमेगा और काफ़ी सस्पेंस आपका क्रिएट करेगा, तो देखते हैं क्या निकलता है। और मोको फ्रेगमेंट पे आ गया और बाउंटी टोकन पे आ गया, बाउंटी टोकन मिल गया है 3 दिन के लिए। तो अब बाउंटी टोकन गाइस देखिए आप यहाँ से जा चुका है, अब बाउंटी टोकन नहीं होगा अगले 5 में स्पिन होगा। तो अगला स्पिन करते हैं, अगला स्पिन गाइस हमको महंगा मिलेगा 93 डायमंड का मिल रहा है। तो स्पिन करते हैं अगला स्पिन 93 डायमंड का करते हैं, ओवर राइड मोको फ्रेगमेंट मिल चुके हैं गाइस, मोको फ्रेगमेंट मिल चुका है, 5 मोको फ्रेगमेंट मिल चुके हैं। तो हर स्पिन के बाद गाइस आपके स्पिन की प्राइस बढ़ती जाएगी। तो पहला स्पिन का प्राइस हमारा 50 डायमंड था, उसके बाद हमारा 93 डायमंड हो गया, 178 डायमंड हो गया। चलिए 178 डायमंड का स्पिन करते हैं और लेट्स सी पहले स्पिन में हमको रियर ग्रैंड प्राइस तो नहीं मिला, चलिए कोई बात नहीं।
ऑल राइट करेक्टर लेवल 4 कार्ड मिला है। और गाइस मेरे को लगता है लास्ट में जाके हमारा स्टार जनरल M4A1 मिलेगा। आप 320-332 डायमंड है गाइस इसकी प्राइस, तो स्टार जनरल M4 और बैड डे गवर्निंग बंडल और पैट फूड बच्चे हमारे पास, तो चलिए स्पिन करते हैं। ऑल राइट पैट फूड मिला है। ऑल राइट अब 645 डायमंड गाइस इसकी कीमत हो चुकी है 645 डायमंड। अब गाइस मेरे को पता है मेरे को अगली स्पिन में क्या मिलेगा, तो बैड डॉग वार्निंग बंडल मिलेगा मेरे को अगले स्पिन में। और 499 वाला बंडल 645 डायमंड खर्च करके लेना बेवकूफ़ी है, तो मैं ये स्पिन नहीं करूँगा। और मुझे पता है स्टार जनरल M4A1 मेरे को लास्ट में मिलेगी, और फिर मेरे पास इतने डायमंड बचेंगे नहीं कि मैं स्टार जनरल M4A1 के लिए स्पिन कर पाऊँ, तो मैं अब गाइस स्पिन नहीं करने वाला हूँ। और गाइस मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा गाइस, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो स्पिन कीजिएगा, क्योंकि एक या दो स्पिन के बाद अगर आपका नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा चांसेस यही है कि आपको स्टार जनरल M4A1 लास्ट में ही मिलेगी। तो अगर आपके पास गाइस नूब वाली आईडी है, अगर आपके पास ज़्यादा आईडी से खेलते नहीं हो, तो एक या दो स्पिन कर सकते हैं आप, बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, लेकिन एक या दो स्पिन से ज़्यादा स्पिन करिएगा मत, ओके। और अगर आप करते हैं तो गाइस अगर आपका 3-4-5 स्पिन में निकल जाता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चले गाइस अपने रिवॉर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले वोल्ट में आते हैं तो हमको एक करेक्टर लेवल 4 कार्ड मिला है, और केट्स मिली हमको जिसमें 5 मोको की फ्रेगमेंट है, और ये देख सकते हैं। और इसमें आपके हमारे 80 से लेकर हमारे 2000 तक फ्रेगमेंट निकल सकती है, तो ओपन करते हैं और 5ों को एक साथ ओपन करते हैं, देखते हैं कितनी कितनी निकलती है। 80, 200, 80, 80, 150, तो कुछ हमारी ये निकली है, 400-500 फ्रेगमेंट्स निकले हैं। इसके अलावा मेरे को 3 दिन के लिए बाउंटी टोकन अनलिमिटेड और ऐड हो चुका है, और पैट में जाके देख लेते हैं हमारे 10 पैट फूड आए होंगे, और उन 10 पैट फूड को मैं खिला देता हूँ अपने पांडा को, तो पांडा की कुछ वो बढ़ जाएगी। तो पांडा को 10 पैट फूड खिला दिए और ये चपाचप खा गया है। गाइस वीडियो इतनी ही रहेगी, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपके लिए जोरदार क्लैपिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ऑलराइट गाइस बाय।